Hello students, good morning. This is your maths class. Today's your topic is addition of money. This work do in your notebook. बच्चों ये आपका जो वर्क हम आपको दे रहे हैं इसे आप अपनी नोटबुक में करेंगे. आपने रुपए पैसे पढ़े हैं, आज हम आपको उन्हीं का एडिशन पढ़ाएंगे. एक बार फिर से आप लोगों को कन्वर्जन ऑफ रुपीस एंड पैसे करवा चुके हैं, आप लोग पढ़ चुके हैं. एक बार फिर से हम एडिशन ऑफ मनी करेंगे जिसमें आपको रुपए एंड पैसे दिए हैं. तो आप रुपए से रुपए को प्लस कीजिए एंड पैसे को पैसे से. ओके, साथ में ये वर्क आप अपनी नोटबुक में करें. तो सो टेक योर पेंसिल एंड नोटबुक, मेंशन टू द डेट. ओके, अब नोट डाउन कीजिए. सबसे पहले आप क्वेश्चंस को अपनी नोटबुक में नोट डाउन कीजिए. देन उसके बाद क्या कर रहे हैं आज आप? एडिशन ऑफ मनी लिखिए. एडिशन ऑफ मनी, आज की डेट जो भी है आप उस डेट को मेंशन कीजिए. ठीक है, आप क्वेश्चन लिखिए. 65 पैसे, 30 पैसे फिल किया बच्चों. देखिए फर्स्ट क्वेश्चन तो आप पहले से ही किया जा चुका है. सेकेंड क्वेश्चन हम करेंगे 30 पैसे प्लस 25 पैसे. तो बच्चों ऐड तो उसी प्रकार से करना है जैसे हम लोग करते हैं. वंस टेंस प्लेसेस दिए हैं तो ऐड वंस प्लेस देन ऐड टेंस प्लेस. ओके, इफ़ रिक्वायरमेंट यदि कैरी की रिक्वायरमेंट है तो आप कैरी ले सकते हैं, अदरवाइज आप प्लस कर दीजिए. ऐसे जैसे यहाँ पे लिखा है 30 पैसे प्लस 25 पैसे तो 505, 3 प्लस 2 2 यानी 3 प्लस 2 5. तो कितने हो जाएंगे यहाँ पर बच्चों पैसे? 55 पैसे. ओके, जैसे देखिए पैसे लिखे तो आपको पैसे भी लिखने पड़ेंगे. अब यहाँ पर लिखे हैं रुपीस, क्या दिए हैं? रुपीस. तो अब आप लोग क्या करेंगे? 5 प्लस 0 5 0 प्लस 9 9 6 प्लस 4 10. ओके, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? 1095 रुपीस. ओके, लिख लिया बच्चों. अब इसी प्रकार से आपको लिखना है 62 625 रुपीस 248 रुपीस. दोनों को प्लस कीजिए. प्लस करने का बच्चों आज आपको केवल यहाँ पर रुपए और पैसे को प्लस करके बताना है कि अगर आपके पास अमाउंट इतना है तो टोटल अमाउंट कितना होगा, है ना. जैसे आपके पास अमाउंट कितना है? 625 रुपीस एंड 248 रुपीस. तो टोटल अमाउंट क्या हो जाएगा? तो यहाँ पर आपको रुपए में ही बताने हैं. 5 प्लस 8 इज इक्वल टू 13. आप यहाँ पर देखिए कैरी है तो कैरी आपने ले लिया. यहाँ पे कितने? 8 प्लस 5 प्लस 8 13 13 के 3 कैरी आपने लिया. और किस में ऐड करेंगे? टेंस प्लेस में. 2 प्लस 4 6. अब इसमें 6 में 1 प्लस कीजिए. यस 7 एंड 6 प्लस 2 इज इक्वल टू 8. आंसर क्या हो जाएगा बच्चों? 873. ओके, लिख लिया 873 रुपीस. यानी आप इसको पढ़ सकते हैं 873 रुपीस. ओके, यानी अगर आपके पास 625 रुपीस है एंड सेकेंड अमाउंट आपके पास 248 है तो आप टोटल अमाउंट बताएंगे कि आपके पास कितना है. ओके, इसी प्रकार से अब यहाँ पर पैसे दिए हैं. पैसे आपके पास है 15 पैसे 20 पैसे एंड 35 पैसे. तो अब आप बताएंगे कि आपके पास टोटल पैसे कितने हैं. उसी प्रकार से जैसे अभी यहाँ पर 2 अमाउंट्स दिए थे उनको आपने प्लस किया, इसी प्रकार से यहाँ पर आपके पास 3 अमाउंट्स हैं. जैसे फर्स्ट में 15 सेकेंड 20 पैसे देन 35 पैसे. अब इन सब को आप प्लस करेंगे तो टोटल अमाउंट आप जान जाएंगे. जैसे 5 प्लस 5 10
5 + 5 10 10 के 0 रिक्वायर 1। ठीक है, तो जो कैरी 1 है तो आप 1 को ऐड करेंगे। 2 + 1 + 3 कितने हो गए बच्चों, 6 6 में 1 प्लस कीजिए 7। ओके, तो कितने हो जाएंगे 70 पैसे, कितने हो जाएंगे टोटल 70 पैसे। ओके, तो इसी प्रकार से यहाँ पर फिर से आपके पास 25 पैसे हैं, फिर 20 पैसे, देन 85 पैसे। अब आप बताइए बच्चों, आप लोगों को मैंने लर्न कराया था 1 रुपीज़ में कितने पैसे होते हैं, 100। तो यानी आप जानते हैं ना 1 रुपीज़ इज इक्वल टू 100 पैसे। अगर आपके पास 50 पैसे के कॉइन्स हैं तो 1 रुपीज़ में 50 पैसे के कितने कॉइन्स होते हैं, ऑफकोर्स 2 कॉइन्स होते हैं ना। इसी प्रकार से हमने और भी पढ़ा था कि 1 रुपीज़ में 25 के कितने पैसे होते हैं, 1 रुपीज़ में 25 के 4 पैसे, यानी 25 के जब 4 पैसे होते मिल जाएंगे आपस में तो कितने रुपए बन जाते, 1 रुपीज़। ओके, तो आप जैसे यहाँ पर देखिए 25 20 पैसे 85 पैसे है, तो टोटल पैसे कितने आ जाएंगे, यस 5 + 5 10 हो गए। ओके, आप 10 के कितने लिखेंगे, 0, कैरी 1 है, 1 को हम ऐड करेंगे, 2 + 2 4, 4 + 8 कितने हो जाएंगे 12, 12 में आप 1 प्लस कीजिए जो कैरी है, यस 13, कितने हो जाएंगे 13, तो 130 पैसे, 130 पैसे। तो 100 पैसे इज इक्वल टू 1 रुपीज़ होते हैं बच्चों, यस। आप इस आंसर को दो प्रकार से लिख सकते हैं, जैसे 100 पैसे इज इक्वल टू 1 रुपीज़, और 30 पैसे हैं तो आप इसका आंसर लिख सकते हैं 1 रुपीज़ 30 पैसे। ओके, इसी प्रकार से अब यहाँ पर रुपए दिए गए, जैसे आपने बच्चों इन पैसों को प्लस किया है, ऐसे ही अब आप यहाँ पर रुपीज़ को प्लस करेंगे। जैसे यहाँ दिया है 315 रुपीज़, 418 रुपीज़, 295 रुपीज़। अब आप लोगों को करना है प्लस कीजिए, जैसे आपने पैसे को प्लस किया, 5 + 8 + 5, 1 + 1 + 9, 4 + 3 + 2। ओके, यानी सबसे पहले ऐड 1 प्लेस, देन ऐड 10 प्लेस, देन ऐड 100 प्लेस। ओके, तो ये तो आप लोग क्लास फर्स्ट में पढ़ ही चुके हैं। अब आपको सिर्फ क्या करना है, एडिशन करना है, और यदि रुपए हैं तो रुपए लिख दीजिए, और यदि पैसे हैं तो पैसे लिखेंगे। और ये वर्क आप अपनी फेयर नोटबुक में ही करेंगे, नीट एंड क्लीन वर्क होना चाहिए, डेट मेंशन होनी चाहिए। ओके, तो जल्द से जल्द आप अपना वर्क कंप्लीट कीजिए और सेंड कीजिए। ओके, बाय बाय, हैव अ नाइस डे।